तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियोस में आपके लिए बताने वाले हैं कि इंजेक्शंस की जानकारी, जितने भी इंजेक्शन हैं, जो कॉमन से इंजेक्शन हैं, वैसे इंजेक्शन बहुत सारी तरह के होते हैं, हम सारे इंजेक्शन कवर नहीं कर पाएंगे। जो कॉमनली यूज़ के लिए जो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, हम उनके लिए यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपके लिए पिछली बार की तरह हम फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इन इंजेक्शन को देखकर खुद ही ट्रीटमेंट न करें। डॉक्टर की एक बात जानकारी में, डॉक्टर की देखरेख में आप अपना ट्रीटमेंट करें। वैसे ये अपनी मेमोरी सेव करने के लिए हम इस वीडियो को बनाया है, और आपकी नॉलेज के लिए भी इस वीडियो को बनाया है। आप सिर्फ वीडियोस को देखकर आप इंटरनेट के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट घर पर ना करें, ये बहुत ही आपके लिए जानलेवा तक हो सकता है। तो आप इस वीडियो के लिए देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में आज आपके लिए हम बताएंगे इंजेक्शंस के बारे में कि कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी में काम आता है। वैसे आपके लिए बता दें कि कोई भी इंजेक्शन आप खुद से यूज़ मत कीजिएगा, डॉक्टर की देखरेख में ही इंजेक्शंस के लिए यूज़ कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इंजेक्शन आता है ट्रेमाडोल। ये बॉडी पेन किलर है। आप इसे जब बॉडी में कहीं भी आपको दर्द होता है तो आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो ये है इथामिसाइलेट। ये इंजेक्शन जो है ये ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इटोफ्लाइन, ये सांस के लिए, जब सांस की आपके लिए कोई प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, तब आपके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। डाइसाइक्लोमाइन, ये पेट दर्द के लिए दिया जाता है, इसकी गोली वगैरह भी आती है, ये पेट दर्द के लिए दिया जाता है। रेविल, ये होता है आपके लिए एंटी एलर्जिक, किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए भी इसे देते हैं। रेनेटिडाइन, ये है पेट में गैस के लिए, जो आपके पेट में गैस वगैरह बनती है तब आपके लिए इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। हाइड्रोकेरेटिशोन, ये जो है सांस बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है, ये एंटीबायोटिक है। सांस जब आपकी जो थोड़ी डिक्रीज जो होती है सांस लेने में, इसको इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। जेंटामाइसिन, ये एंटीबायोटिक है, ये फीवर में, चोट वगैरह में भी आप इसे ले सकते हैं, आई मीन डॉक्टर से देते हैं। ये है टिटनेस वैक्सीन। ये टिटनेस वैक्सीन जो है, जैसे कि लोहे से आपको चोट लग जाती है तो वहाँ टिटनेस बनने का खतरा होता है, ये इंजेक्शन जो है ये इन्फेक्शन वगैरह रोकने के लिए भी, ये काम आता है, इन्फेक्शन ना हो इसके लिए दिया जाता है। रेबीज वैक्सीन, ये रेबीज वैक्सीन जो है ये कुत्ता काटने पर दी जाती है, ये कुत्ता या बंदर वगैरह जो आपको काटता है तब ये आपको दी जाती है। पैरासीटामोल, ये बुखार में आपको नॉर्मली दी जाती है। ये डॉन, ये जो है ऑल बॉडी पेन किलर है। कई तरह की दवाइयाँ, ऐसे इंजेक्शंस आते हैं ऑल बॉडी पेन किलर, पहले भी था और ये भी है। डॉन जो है ये ऑल बॉडी पेन किलर है। ये है एम्पीसिलिन। ये एम्पीसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, ये लिवर एंड अदर प्रॉब्लम्स में ये आपके लिए दिया जाता है। मेटोक्सोपैरामाइड, ये जो है लूज मोशन वगैरह, मरोड़ आपके पेट में जो होती है तब आपके लिए दिया जाता है। डेक्सामेथासोन, ये जो है एंटीबायोटिक है, ये सर्दी खांसी फीवर वगैरह में दिया जाता है। अमीनोफेलिन, ये जो है सांस लेने में परेशानी जो होती है आपको, तब ये आपके लिए दिया जाता है। जैसे सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है तब आपके लिए इसे दे सकते हैं। फ्रूशेमाइड, ये जो है जैसे कि आपका टॉयलेट आ नहीं रहा है, आपके लिए टॉयलेट लाने के लिए ये आपके लिए दिया जाता है। जैसे कि आपको टॉयलेट वगैरह नहीं आता तब आपके लिए दिया जाता है, और ये जो है ये जो उसके लिए भी दिया जाता है। जैसे कि आपका ब्लड हाई जो है, मतलब हाई ब्लड है, उसे कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, राइट। तो ये है स्टेराइल। स्टेलाइट, ये इंजेक्शन जो है बीपी हाई करने के लिए दिया जाता है। जिसका आपका जो बीपी है काफ़ी डिक्रीज हो गया है, उसे इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। ये है आपका नेक्स्ट इंजेक्शन मेफेंटेरेमाइन। ये जो है ये दिया जाता है आपका रियर केसेस में, आप इसे दे सकते हैं। जैसे कि आपका लो बीपी टू हाई बीपी, जैसे कि आपका बीपी लो होता है तो उसे हाई करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि जो रेयर केसेस होते हैं, कभी हार्ट अटैक के केसेस में भी ऐसा होता है कि आपका बीपी
काफ़ी लो हो जाता है, तो तब रेयर केसेस में इसे देना पड़ता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है स्नेक वाला, ये जो है सांप के काटने पर दिया जाता है नॉर्मली। डाइसाइक्लोमाइन, ये जो इंजेक्शन है ये ऑल बॉडी पेन किलर है। इससे पहले भी दो इंजेक्शन ऑल बॉडी पेन किलर के हैं, पर हर इंजेक्शन में कुछ ना कुछ खास बात होती है। बुडकोट, ये जो है सॉल्यूशन होता है ये एक तरह का, ये आपको सर्दी जुकाम वगैरह में भी आप इसे दे सकते हैं। डाइजलेवन, ये जो है आपके लिए दिया जाता है नशा के लिए, जैसे कि आपको नशा जो ज़्यादा हो गया, किसी ने ज़्यादा नशा कर लिया, ड्रिंक कर ली, तो उसे उतारने के लिए ये दिया जाता है। ये कुछ बोतल हैं जो आपको लगाई जाती हैं, ये कुछ बोतल, ये है मेट्रोनिडाजोल, ये जो है लूज मोशन वगैरह में ये आपको बोतल लगाई जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सस, ये एंटीबायोटिक है, ये बुखार सर्दी जुकाम वगैरह में दी जाती है। ये लैकलाइट पी, ये बच्चों में जो एनर्जी के लिए दी जाती है, जो बच्चों में जो वीकनेस वगैरह आ जाती है तब ये दी जाती है। DNS, ये ग्लूकोज की पूर्ति के लिए दिया जाता है, राइट। तो NS, ये PP इंक्रीज के लिए दिया जाता है, लूज मोशन में, फीवर में, राइट। तो ये आपके लिए दिया जाता है। D5, ये जो है एनर्जी बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जैसे कि आपको वीकनेस वगैरह फील हो रही है तो उसके लिए ये दिया जाता है। RL, ये BP इंक्रीज करने के लिए, लूज मोशन वगैरह और फीवर वीकनेस वगैरह में ये आपको लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए कैसा लगा वीडियो, अब आपके लिए बताना चाहते हैं, अगर आपके लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, ताकि हमारी इस तरह की हर यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।